हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक तोरण पट्टी का वीडियो लाई हूँ, जिसके लिए मैं देखिए 11 चेन बनाई हूँ। और 11 चेन के बाद आप लोगों को एक लाइन डबल क्रोशिया तैयार करना है। आप चाहें तो इसमें दो या तीन लाइन डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को डिज़ाइन समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, साइड में आपको यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया की मदद से आपको एक डबल क्रोशिया छोड़कर तीन बार उल को खींचना है इस तरह से, और फिर इसको सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर आपको यहाँ पर दो तीन तीन चेन, और फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो फिर आपको चार डबल क्रोशिया छोड़कर आपको यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, दो फिर एक चेन, फिर दो डबल क्रोशिया, एक दो, फिर चार चेन, दो तीन चार, और फिर हम चार डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और लास्ट में इस तरह से यहाँ पर एक बबल्स बनाएंगे। फिर हम, अगर आप लोग मोटा चाहते हैं तो चार बार उल खींचिएगा, अगर पतला चाहते हैं तो आप लोग तीन बार उल को खींचकर इस तरह से इसको सिंपल क्रोशिया से बंद करिएगा। फिर एक चेन बनाइएगा और फिर आपको वापस, तो पहली लाइन फ्रेंड्स आपको इसी तरह से तैयार करना है, और फिर इस तरह से आपको इसी चेन में इस तरह से फिर एक बबल्स बनाना है। हम इस तरह से उल को खींचेंगे, एक दो तीन चार, और फिर इसको हम सिंपल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर हम दो तो फ्रेंड्स, इस तोरण पट्टी को बनाने के लिए मैं फोर प्लाई उल ली हूँ, और सिर्फ आपको डिज़ाइन बता रही हूँ। तो आप लोग टू प्लाई, या अगर आप लोग फोर प्लाई उल से बनाना चाहते हैं गेट पर्दा, तो आप लोग इससे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर हम पांच चेन लें बनाएंगे, और फिर आपको इसके बीच में इस तरह से इसको सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर हम पांच चेन बनाएंगे, तीन चार पाँच, और फिर यहाँ पर साइड में जो बबल्स है इसके ऊपर में आपको एक बबल्स बनाना है। तो इस तरह से आप लोग फिर चार बार उल खींचिएगा, दो तीन चार, और फिर इसको सिंपल क्रोशिया से बंद करिएगा। और फिर हम इस साइड मुड़ेंगे, और फिर आपको यहाँ पर बबल्स बनाना है। तो आपको हमेशा इस साइड में इस तरह से बबल्स बनाते जाना है दोनों साइड में। तो फ्रेंड्स, आपको चौला पट्टी बनाना है तो आप लोग 20 चेन बनाकर उसके बाद आप लोग स्टार्ट कीजिएगा इस डिज़ाइन को। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर हम पांच चेन बनाएंगे, तीन चार पांच, और फिर आपको यहीं पर इसको इस तरह से सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करना है। फिर पांच चेन बनाएंगे, और फिर हम क्रोशिया की मदद से इस बबल्स के ऊपर में एक और बबल्स बनाएंगे, और फिर हम चार बार उल को खींचेंगे, दो तीन चार, और फिर हम इसको सिंपल क्रोशिया से बंद करेंगे। और फिर हम एक बबल्स बनाएंगे इसके ऊपर में, चार बार उल को खींचना है, दो तीन चार, और फिर हम इसको सिंपल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर हम पांच चेन बनाएंगे, तीन चार पाँच, और फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से सिंपल क्रोशिया से ज्वाइंट करेंगे। फिर पांच चेन बनाएंगे, और फिर हम एक बबल्स यहाँ बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आपको यहाँ पर
एक दो तीन चार लाइन बनाकर कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स इस तरह से आपको एक डिज़ाइन पूरा करने के बाद फिर से मैं स्टार्ट करना आप लोगों को बता रही हूँ। तो फिर आप लोग बबल्स बनाइएगा और फिर आपको यहाँ पर चार चेन बनाना है और फिर इस बीच में आपको दो डबल क्रोशिया बनाना है जहाँ पर चेन को आप लोग ज्वाइंट किए हैं। तो एक दो फिर एक चेन, फिर आपको सेम इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया और ये दो डबल क्रोशिया, फिर चार चेन और फिर आपको यहाँ पर एक बबल्स बनाकर कंप्लीट करना है और ये आपका यहाँ से डिज़ाइन फिर स्टार्ट हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए आगे अपना तोरण पट्टी पूरा करिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कितना बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोगों को अगर यहाँ पर बबल्स बनाना अच्छा नहीं लगा हो तो आप लोग यहाँ पर डबल क्रोशिया का भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर दो दो डबल क्रोशिया बना लीजिएगा तो ये आपका तोरण पट्टी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर ये डिज़ाइन आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ पूछना हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियो ही समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई